ए गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू कौशल ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। सो आज मैं आपको अपनी सरसों की खेती के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। ये मैंने सरसों लगाई थी 3 महीने पहले और अब ये पक चुकी है। इसकी हार्वेस्टिंग आधी हो चुकी है और आधी अभी बाकी है। आप देख सकते हैं वहाँ से लेकर वहाँ तक सरसों। सबसे अच्छी बात मुझे इस फसल की लगी कि इसमें पानी बहुत कम लगता है। मैंने मात्र 2 पानी दिया और एक बरसात हो गई थी तो 3 हो गए। और दूसरा, इसमें कुछ भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र कुछ भी, इवन मैंने तो कोई भी स्प्रे नहीं किया इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के लिए। और देखिए मेरी सरसों कितनी फाइन है, कितनी अच्छी है। सबसे अच्छी फसल लगी मुझे। अब ये देखना है कि ये कैसे, क्या मुझे आउटपुट देती है, क्योंकि 1 बीघा से थोड़ी कम होगी ज़मीन, और इसमें क्या मुझे आउटपुट मिलेगा ये मुझे देखना ज़रूरी है। देखिए आप, ये सरसों की फलियाँ हैं, ये पक चुकी हैं और इनमें ये दाने भी आ चुके हैं। सो देख सकते हैं आप, इस तरह से सरसों तैयार होती है, हर फली में दाना। और अभी इनकी जो विधि है निकालने की, इसका जो टेक्निक है वो ये है कि पहले आप सरसों को काट लें, तो इस तरह से ऐसी पल्ली रहती है, बरसाती टाइप की रहती है, पाल कहते हैं, जैसे आप क्या कहते कमेंट में बताइएगा, उस पर रख दें। और फिर इसके ऊपर मजदूर जब इसे काट लेंगे और उसके बाद में इसे झटकेंगे, क्योंकि सूख सूख के इसमें से सारी सरसों बाहर निकल आएगी, और फिर इसकी ग्रेडिंग कर दी जाएगी, जिससे हमें फाइन सरसों जो अच्छे भाव बिक सकती है बाज़ार में, क्योंकि जितना अच्छा माल आप बाज़ार में ले जाएंगे उसकी वैल्यू भी उतनी ही अच्छी मिलेगी आपको। तो फाइन सरसों हमारी बाज़ार में जाने को तैयार हो जाएगी, उसके अनुसार रेट, सरसों का रेट तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप देख सकते हैं ये इस तरह की सरसों कितनी अच्छी फलियाँ लगी। आई एम सो हैप्पी, मैंने फर्स्ट टाइम सरसों की खेती करी है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, और मेरी सरसों आज कट के मेरे सामने खड़ी है, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। क्योंकि जनरली मैंने इससे ये सोचा था कि 1 बीघा में करके देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है, मैं ज़रूर चेक करना चाहूँगी, इसलिए मैंने ये सरसों की खेती करी। और रिज़ल्ट तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट कि ओ कितना क्विंटल, ये भी मैं मार्जिन रखूँगी, बट फिर मैंने सरसों उगा दी ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए ना, मैंने 2 किलो दाना डाला था जो भी ज़्यादा ही था, और आज मेरे पास कितना किलो दाना निकलेगा इसके लिए मैं बहुत चेकन, धरती माँ बहुत देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितने अच्छी बात है कि मेरी सरसों आज कट के तैयार होकर मैं सामने खड़ी, नहीं तो दिल धक धक करता था ये कैसे क्या निकलेगा। पर हाँ, इसको सीखने के लिए आपको सही और मतलब उसका प्रॉफिट लॉस नहीं देखना पड़ता, आपको उसके लिए एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा चेक करना पड़ता ही है, दाव पे लगाना ही पड़ता है। और ये देख सकते हैं आप, अब मेरी सरसों कितनी अच्छी, कितनी फाइन सरसों खड़ी हुई। अब इसके जब निकालेंगे उसके बाद में क्या इसका आउटपुट निकलेगा, इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को जो प्रेस कीजिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो। और मिलेगा मेरे साथ और भी नई अमेजिंग खेतियों के साथ, क्योंकि सीखना अभी बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, की सब्सक्राइब माई चैनल।